अच्छा है मूवी, बेस्ट है, ऑसम, जॉन, मनोज वाजपेयी सब बेस्ट कैरेक्टर है, सबका बहुत अच्छा है। मूवी का सबसे बेस्ट फैक्टर क्या लगा? उसकी जॉन की एक्टिंग जो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, बहुत बेस्ट किया उन्होंने। कितने स्टार देना चाहिए आउट ऑफ 5? 5। थैंक यू सो मच। अच्छा ना साथ में ए ये, अरे आ जाओ। सो कैसी लगी फिल्म? बहुत बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा मूवी का? मतलब जो पुलिस गलत काम करते हैं उनके लिए ये मूवी देखना चाहिए, उनको लगना, मतलब ये देखने लायक मूवी है, उनको ये समझना चाहिए कि हम जो गलत काम करते हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जॉन भी है, सो जॉन की एक्टिंग कैसी? बहुत अच्छी थी। मनोज वाजपेयी, स्क्रिप्टिंग डायरेक्शन कैसा था? अच्छा। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? मनोज वाजपेयी 10 out of 10, माय गॉड क्या एक्टिंग की उसने। जॉन अब्राहम का थोड़ा एक्टिंग अच्छा नहीं था, एक्शन नो डाउट अच्छा था, स्पेशली जो गाना था ताजदारे रहम जो कव्वाली थी उसमें ऑसम था व्यू पूरा दिखाया गया था जो, और हीरोइन इतना मजा नहीं आया हीरोइन में, लेकिन मनोज वाजपेयी की एक्टिंग ऑसम थी और एक्शन तो नो डाउट अल्टीमेट था एक्शन। स्टोरी की बात करें, स्टोरी कितना रिलेट कर पाई आप? मतलब आज के डे के हिसाब से देखें तो बेस्ट है, आज के डे को रिलेट कर रही है पूरा, 15 अगस्त का पूरा फील देती है, बट थोड़ा एक्टिंग वाइज मतलब अगर जॉन अब्राहम थोड़ा सा और मतलब दूसरा एक्टर लेते तो आज बेस्ट होता। आई थिंक जो स्टोरी लाइन थी वो पुरानी मूवीज की तरह थी, लाइक जो बेटी का बाप विलन निकलता उस टाइप से, थोड़ा रिलेटेड था पुराना, नया मसाला दिया था पुरानी मूवी के हिसाब से, लेकिन अच्छी थी मूवी ओवरऑल। हाँ अगर मन किया तो फिर से आएंगे, रिकमेंड फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे। 6.5 आउट ऑफ 10 या 6 to 7 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छी थी। जॉन, मनोज वाजपेयी, जॉन बहुत अच्छी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी दोनों की। क्या कुछ दिखा आपको फिल्म में? करप्शन, प्रोडक्शन, क्या कुछ दिखा? एक्चुअली जो दिखा है वो सही है, बहुत करप्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस चाहिए अभी हमको, तो ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे तो होना चाहिए। कुछ पर्सनली कुछ रिलेट कर पाए इस फिल्म से? अच्छे साथ नहीं हो रहा ऐसा कुछ? एक्चुअली रिलेट तो कुछ नहीं पर होना चाहिए कुछ तो उन्होंने कुछ तो वे निकाला है तो ठीक है। सो कंप्लीट एंटरटेनमेंट मूवी थी ये। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 5। थैंक यू सो मच। सो कैसी लगी फिल्म? हां जी बहुत अच्छी थी फिल्म, बहुत अच्छी है। बहुत 100% दे उन्होंने पिक्चर में। यस, मनोज वाजपेयी भी है। हाँ हाँ हाँ, वो दोनों ने भी इतना अच्छा काम किया। ईमानदारी के जोर पर काम करना, मतलब जो करप्शन जो चल रहा है अभी, मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है वो कम हो जाएगा बिल्कुल। आज की डेट से रिलेट कर पाए आप? हाँ 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 हाँ, देखो आज तो इंडिपेंडेंस डे और उस डे पे वो फिल्म जो रिलीज हुई ना वो कुछ अच्छा ही करके जाएगी सच में। सब गाना है दिलबर दिलबर, वो पसंद है? हाँ जी गाना तो बहुत पसंद है, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, वो देखने चाहिए सर। फिर से देखेंगे आगे? हाँ जी बिल्कुल। जी 5 star। यस वेलकम वेलकम। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी है, अच्छी थी, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस है, ट्विस्ट है बीच में। मूवी का सबसे बेस्ट फैक्टर क्या लगा आपको फिल्म का? अबाउट द करप्शन एंड ऑल, करप्शन एंड ऑल के बारे में। एक सॉन्ग भी है दिलबर दिलबर, हाउज इट? नंबर 1 अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऑसम सॉन्ग, दोनों भी सॉन्ग्स हैं। आपने ट्राई करने से पहले क्या आप सोच के आए थे कि इस तरह की कोई फिल्म देखनी है? हाँ एक्चुअली प्लान था हमारा, प्लान था हमारा, प्लान किया था हमने, इस पर ही प्लान। सो कितने स्टार देना चाहिए आउट ऑफ 5? 5 5 5 5 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी है। फिल्म में क्या चला, जॉन अब्राहम या एक्शन? एक्शन भी अच्छा था और जॉन अब्राहम भी बहुत अच्छे थे। क्या मनोज वाजपेयी को टक्कर दे पाए जॉन? बिल्कुल एकदम। स्टोरी की बात करिए, कितना रिलेट कर पाए करप्शन? बहुत सही किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा है। करप्शन तो हटना ही चाहिए ना। ईमानदारी दिखाई दी है उसके अंदर, पुलिस की भी ईमानदारी दिखाई दी है और करप्शन हटाने के लिए जो उन्होंने किया वो भी बहुत अच्छा किया। ये चीज़ होना ही चाहिए, जब तक होगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
ये होना ही चाहिए। क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिल्म बांध के रखती है या बोरिंग करती है? नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बोरिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी है, एक्शन मूवी एकदम। मूवी का कोई बेस्ट फैक्टर जो आप साथ लेके जा रहे हैं? जॉन अब्राहम की जो पूरी एक्टिंग है वो बेस्ट है। कितने स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5? और कोई एंटरटेनिंग गाना है? गाना तो अभी तक कोई भी नहीं, दिलबर दिलबर हाँ, दिलबर एंटरटेनिंग है, एक ही गाना है जो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, सत्यमेव जयते फिल्म सभी को देखनी चाहिए। सो कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, सत्यमेव जयते फिल्म सभी को देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी छुट्टी का दिन है, वो मेरा दिन बन गया। सभी को देखनी चाहिए, उसमें एक मैसेज भी है, एक मोटिवेशन है, सब कुछ है इस फिल्म में। बाकी जैसी फिल्मों में रोमांस ये वो उसमें वेस्ट जाता है कितना पैसा। ऐसी मूवी बनानी चाहिए जिसमें लोगों को इंस्पिरेशन मिले, और मुझे जॉन का काम बहुत अच्छा लगा, मुझे वो बहुत पसंद आए। और मनोज वाजपेयी की तुलना उनकी भी बहुत अच्छी है कि उन्होंने सिर्फ पुलिस, इसमें कैसा है कि कोई सोच सकता है कि पुलिस ही करप्ट है, उन्होंने पुलिस की बाजू भी रखी है और एक इंसानियत की बाजू भी रखी है। दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बट जॉन का काम बहुत अच्छा है, हैट्स ऑफ। हर घर में ऐसा बेटा हो और हर घर में मतलब हर पुलिस में ऐसा जज्बा हो, सब कुछ हो इस फिल्म में, बहुत अच्छा है। और सब कुछ जितने स्टार नहीं है मैं उतने भी स्टार इसमें डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।